दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेस 2 के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आपको आवेदन में कोई दिक्कत आ रही है, आपसे आवेदन नहीं भरवा रहा है, तो यहाँ पर हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे कि ये देखिए, जनसेवा मित्र बेस 2 और मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ही नेट कैफे है, आप इसमें अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप से ही अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक हमारे मेंबर्स में से 350 मेंबर्स ने हमारा ऑनलाइन आवेदन की करवाए हैं हमसे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी करवाना तो जल्दी से हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी हमसे कमेंट कर पूछ रहे थे कि सर किस जिले में कितने फॉर्म डल गए हैं। ठीक है, कोई पूछता है सीधी जिले में कितने फॉर्म डल गए, जबलपुर में कितने फॉर्म डल गए, भोपाल में कितने डल गए, अलीराजपुर में कितने डल गए, छिंदवाड़ा में कितने डल गए। तो यहाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस जिले में कितने आवेदन भर चुके हैं, टोटल आवेदन अभी तक कितने भराए हैं, कितने अभी तक आवेदन भराए और कितने फाइनल सबमिट हुए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि आज लाइव आने वाला हूँ, पर हमारे यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए लाइव नहीं आ पाया। कल जरूर आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई मैंने घर बनाई पीडीएफ नहीं, ये हमारे सर ने हमको सेंड की थी कि किस जिले में कितने फॉर्म भराए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रहा है, टोटल एप्लीकेशन और फाइनल सबमिट कितने हुए, और यहाँ पर परसेंटेज दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सागर जिले में टोटल 460 लोगों ने आईडी बनाई है, पर फाइनल सबमिट केवल 328 लोगों ने किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल फॉर्म मध्य प्रदेश में टोटल 1971 फॉर्म यहाँ पर भरा चुके हैं। ठीक है, 10971 फॉर्म लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 7683 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। केवल दो दिन में यहाँ पर 7683 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अब फाइनल देखें कि किस जिले में कितने फॉर्म, किस ब्लॉक में कितने फॉर्म भराए, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक टू बी फोकस टू प्रमोटिंग सीएम बाय आईपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में अभी तक कितने फॉर्म भरा चुके हैं, यहाँ पर अलीराजपुर के यहाँ पर टोटल ब्लॉक के नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैतूल में कितने फॉर्म भरा गए हैं, ब्लॉक में देख सकते हैं, और यहाँ पर आवेदन की संख्या आपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके यहाँ पर जिले देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर उनमें आवेदन की संख्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपने सभी मित्रों को जल्दी से बोलिए कि आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, आप जल्दी से जाकर आवेदन करवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी जिले में देख सकते हैं, और जितने ज्यादा हो सके उतने आवेदन फॉर्म भरवाइए। अपने सभी दोस्तों यारों मित्रों से बोल दीजिए कि आप इसमें आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन केवल आपको पिछले 2021-2022 में आपको यूजी पीजी कंप्लीट होना चाहिए, किसी दो वर्ष का यूजी या पीजी डिप्लोमा आपको होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उज्जैन के देख लेते हैं, टोटल 7 फॉर्म भराए हैं इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी जिले में। तो यहाँ पर आप दोस्तों सभी ब्लॉग वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नर्मदापुरम में देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी अपडेट लाते रहते हैं हम आपके लिए, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।